अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज जुमा है यार, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ। अभी मैं निकला हूँ नमाज के लिए और गर्मी भी बहुत ज्यादा है आज, तो नमाज पढ़ते जाके पहले। और इफ्तारी के बाद ना एक अजीब प्रेशर सा होता है, सर में भी, दिमाग में भी और साथ साथ पेट में भी। अभी इफ्तारी हमने कर लिया है। गंदगी का कोई एक तरीका होता है ना यार, उधर देखे इफ्तारी करने के बाद सब कुछ फेंक दिया। दो दिन अब यूनिवर्सिटी की छुट्टियां है, तो हमने मेरे ख्याल से हॉस्टल के व्लॉग बनाना होगा। यार मैं या तो हॉस्टल के व्लॉग बनाता हूँ या यूनिवर्सिटी के व्लॉग बनाता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब से रमज़ान आया ना, मैंने कोई जिम ज्वाइन किया ना, मैंने जिम किया ना, मैं क्रिकेट खेला हूँ ना, मैंने कोई प्रैक्टिस किया ना, मैंने कोई रनिंग किया है, कुछ फैटी से हो गया, तो इसको हमने बिल्कुल कम कर दिया ना। अभी मैं इसलिए वॉकिंग करने के लिए आया हूँ। अब 10 दिन रहते हैं ईद के लिए, तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद फिर हमने जिम ज्वाइन करना है, उसके बाद हमने फिर जाकर प्रैक्टिस करना है क्रिकेट के। उसके लिए अभी से खुद को थोड़ा ग्रूम कर लेंगे, मज़ा आएगा। अभी हल्की फुल्की वॉकिंग कर लेता हूँ। और ये है नाइट सीन फ्रॉम माई हॉस्टल। और यहाँ पर जो यहाँ पर रहते हैं, हमें जो हॉस्टल में खाना शाना बना के देते हैं वो रहते हैं। और ये हमारी हॉस्टल की मस्जिद है, छोटी मोटी, लेकिन ये बहुत बड़ी हमारे लिए है। यहाँ के हम नमाज शमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद, यह अंधेरा है, नज़र नहीं आ रहा, वरना मैं ये भी दिखा देता। वॉकिंग शॉकिंग मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने जाना है, जाके मैंने सोना है, उसके बाद मैंने उठना है, उठ के सहरी खाना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह सहरी के टाइम मुलाकात करते हैं। और मैंने पहले भी बता दिया है कि यार ये व्लॉग हमारा होगा हॉस्टल। जब बंदा व्लॉग बनाता है ना, थोड़ा रियल होना चाहिए। अभी मेरे बाल छाल कोई साइड चले गए, कोई साइड चले गए, इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं देखना है। व्लॉग जब तक आपका रियल ना हो ना, व्यूज़ नहीं आते हैं। बस मेरी वॉकिंग इतनी थी, वॉकिंग हो गई, अब जाता हूँ, जाके रेस्ट कर लेता हूँ। अभी टाइम 3:30 बज रहे हैं, अजाने होती है 4 बजे, तो फटाफट से जाके सहरी कर लेते हैं। अभी सहरी कर लेते हैं, सहरी में है ये 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 है, और उसके बाद साथ चाहिए ये मेरे साथ है वहाब भाई जी। बस ये हाल है, स्टूडेंट लाइफ है ना, बहुत मुश्किल लाइफ है और मज़े की भी है। पराठे भी है, हाँ हमारे पास साथ पराठे भी है, तो हम ये खाएँगे। ये हमारी होगी सहरी, तो उसके बाद जो हमने करना है ना, चांद भी नजर आता है, आज चांद भी नज़र आता है। हाँ यार, आज का जो मौसम बना हुआ है ना, इतना ज़बरदस्त बना हुआ है, उसका अलग पैसा है। हम बाहर इधर सहरी कर रहे हैं यार, जो मौसम है ना उसके पैसे तो अलग है, बहुत ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। इसलिए हम दोनों ने सोचा कि इधर बाहर आके हम सहरी कर लेते हैं। अभी फटाफट से पानी पीते हैं, अजाने होने लगी है, बस टाइम बहुत कम है। अभी टाइम सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट रहते हैं, 4 मिनट के अंदर अंदर सहरी बंद करते हैं। उसके बाद अभी वजू भी बनानी है, जाके जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं। यार ये है हम गरीबों का हॉस्टल। आज ये व्लॉग अपलोड करूंगा मैं, आज व्लॉग कम ही बनाए क्योंकि मेरे पास मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार व्लॉग को शॉर्ट शॉर्ट कर लेते हैं ताकि वो आ जाए और वो आगे डिस्टर्ब ना हो। व्लॉग बनाने के चक्करों में मैं उनको छोड़ दूँ तो ये नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने कहा कि व्लॉग कम ही हो लेकिन अच्छा सा हो। आज का हमारा रूटीन ये, और ये हम गरीबों के हॉस्टल है, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले व्लॉग में। और आप लोग चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें यार, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करो, लाइक बनता है यार। वही सीन्स फिर से है, और अभी यहाँ पर गाड़ियाँ शाड़ियाँ चल रहे हैं, आप देख सकते हो। मैं हॉस्टल के ऊपर हूँ अपना, यहाँ नीचे घर है, तो दिन को हम इस साइड नहीं आते और नाइट टाइम हम इधर आते हैं, आके सीन्स को इंजॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारा है पिंडी का नाइट व्यू, रावलपिंडी। तो ठीक है गाइस, आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और व्लॉग को आप वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।